देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स थे जो कि क्या थे, पॉपुलर हो रहे थे, कहाँ थे, वेस्टर्न मार्केट में. इन फिगर थ्री, आप फिगर थ्री में देखेंगे, यू कैन सी द पेज ऑफ ऑर्डर बुक. आप फिगर नंबर थ्री में देखेंगे एक ऑर्डर बुक पेज है, ये है फिगर नंबर थ्री में. आप देखिए ये एक ऑर्डर बुक नाम की क्या है, पेज है. That the East India Company sent to the representative in Calcutta in 1713. So East India Company थे वो, उन्होंने क्या किया था, अपने representatives को send किया था. कब? In Calcutta 1713. The order that year was 5,89,000 piece of cloths. Basically बेटा ये जो book है, ये जो order book बनाई गई है इनकी, इसने क्या दिया है, अलग अलग names दिए हैं cloths के, अलग अलग क्लॉथ्स के अलग अलग प्राइजेस दिए गए हैं नेम के, क्या क्या नेम है, क्या क्या प्राइज है, ये प्राइज वहां पे सेट कर दी थी फिगर नंबर थ्री ने. क्या है अब प्राइज, एक ऐसा पेज है ऑर्डर बुक का जो ईस्ट इंडिया कंपनी 17 का. आप इसने देखोगे, इसने केयरफुली एक प्राइज नोटिस है, इसने सारे प्राइजेस दिए गए हैं, कौन सा कपड़ा कितने का था, बहुत सारे अलग अलग नेम दिए गए हैं. तो इसमें वेराइटी दी गई है, 98 वेराइटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ. क्या है, 98 टाइप की वेराइटी दी गई है कॉटन और सिल्क क्लॉथ की. दे वर नोन एज अ कॉमन नेम, सबका अपना अपना उनका कॉमन नेम था. यूजुअली कुछ 20 यार्ड्स लॉन्ग थी और कुछ 1 यार्ड वाइड थी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट द नेम ऑफ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स इन अ बुक. आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे वेराइटी ऑफ, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के नेम लिखे हैं, डिलो है ना, और भी बहुत सारे नेम्स लिखे हैं. आगे हम नेम्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो अलग अलग वेराइटी के नेम लिखे हुए हैं बुक ने. अमंग द 30 ऑर्डर्ड इन अ बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड चिंद. एक बल्क ने ऑर्डर हुआ था, ऑर्डर होता था क्लॉथ्स, और उसको प्रिंट कहा, प्रिंटिंग कराई जाती थी उस क्लॉथ्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, चिंद. और बहुत सारे ऐसे अलग अलग नेम थे जैसे खरसा, और दूसरा हमारा नेम क्या है, बांधना. डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म टिंग्स चिंस कम्स फ्रॉम. इंग्लिश टर्म का जो ये चिंद शब्द है वो कहाँ से आया है, इट वॉज डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंद. ये कहाँ से डिराइव हुआ है, हिंदी वर्ड चिंद से. अब इसने क्या हुआ है, इट वॉज डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंद. अ क्लॉथ विथ स्मॉल, ये एक क्लॉथ होता था जिसने क्या होते थे, छोटे छोटे फ्लावर्स की डिजाइन होती थी. बेसिकली ऐसा एक टाइप का क्लॉथ होता था जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स की डिजाइन होती थी, बहुत ब्यूटीफुल सी डिजाइन होती थी. फ्रॉम द 1680 दे स्टार्टेड, और 1680 में क्या हुआ, इसका बहुत क्रेज स्टार्ट हो गया. इन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप मेनली, इसने इंडिया और कॉटन टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा क्रेज था उस टाइम पे. और ये कैसे कपड़े हुए थे, होते थे, ये बहुत ही फाइन टेक्सचर होता था इनके, और ये चीप रेट के होते, यानी काफी सस्ते पड़ते थे. रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो रिच पीपल होते हैं, इंक्लूडिंग क्वीन ऑल्सो, हर सेल्फ वर्थ द क्लॉथ ऑफ द इंडियन फैब्रिक. वो खुद भी बहुत पसंद करती थी यहाँ के, हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल होती थी उसे खुद भी बहुत पसंद करती थी वहां की क्यून, और इवन उसको यूज भी करती थी. Similarly, the word bandhna now refers to any brightly colored printed scarf. अब bandhna word का क्या मीन्स है यहाँ पे, वो एक तरीके का scarf होता था bright color का, जिसको आप neck और head में use करते थे. ये word कहाँ से originate हुआ है, bandhna word एक ही हिंदी टाइप है, जो कि उसने कैसा होता था, इस पे एक तरीके का ये स्कार्फ होता था. आप देख सकते हो ये ऐसा एक स्कार्फ है, इसको दी से डिवाइड करके आप क्या कर सकते हो, इसको पहन सकते हो. तो बेसिकली इसमें क्या होती थी, डाइंग होती थी, फिर लोग इसका कलरिंग वगैरह होती थी, डाइंग होती थी, फिर इसको लोग यूज करते थे. फिगर नंबर फाइव में देखिए, प्रिंटेड ये है चिंद का ये क्लोथ है, विच वॉज प्रोड्यूस इन मसूलीपट्टनम में प्रोड्यूस हुआ था आंध्र प्रदेश में 19th century में. एक तरीके का क्या है, दिस इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ चिन प्रोड्यूस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ, ये प्रोड्यूस किया गया था, एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि प्रोड्यूस हो रहा, ये चिन क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे थे एक्सपोर्ट करने के लिए, कहाँ थे, ईरान और यूरोप में. नेक्स्ट हमारा फिगर नंबर सिक्स में क्या है, बांधना डिजाइन अर्लियर इन 20th century, ये भी बहुत ही फेमस डिजाइन होती थी. नोटिस द लाइन, आप इसने ये लाइन नोटिस कीजिए, ये लाइन क्या है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है. और ये जो बांधना पैटर्न है ना, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया कहाँ पे, राजस्थान में. बांधना रीजन बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, पॉपुलर हो गया किसपे, राजस्थान और गुजरात में. नाउ देयर आर अदर क्लोथ्स, बहुत सारे अदर क्लोथ्स भी थे है ना, जो कि बुक्स ने जिनके नाम मेंशन है आपके,
है ना, जैसे कैलकटा, उड़ीसा, चोरदोर और कांचन बाजार, ये सारे अलग अलग क्या है बुक्स हैं जो कि आपके ऑर्डर बुक ने ये नेम्स मेंशन है। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड, इन्हीं वर्ड्स का जो स्प्रेड हो रहा था ना इंडियन टेक्सटाइल के तब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था ना, इवन वहीं थे बल्कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग वर्ड्स के पार्ट्स ने हमारा जो इंडियन का टेक्सटाइल था वो क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन का टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट में कैसा है। By the early 18th century word, by the popularity of Indian textile, wool and silk maker in England began protest against the import of Indian cotton textile. क्या होता था 18th century में जो इंडिया के कपड़ा था उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो इंग्लैंड के लोग थे ना वो बेचारे बहुत ज्यादा डर गए थे कि वहां पे सिल्क और वूल मेकिंग इतना ज्यादा हो रहा था, तो इंग्लैंड के लोग चाहते थे कि वहां का कपड़ा आना बंद हो जाए, क्योंकि अगर वहां से सारे कपड़े यहां आएंगे तो ये लोग क्या कर रहे थे, इसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि इंडिया से कपड़े को ना लाना चाहिए। नेक्स्ट इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनएक्ट एंड लेजिस्लेटिव बैंड यूजिंग ऑफ प्रिंटिंग क्लोथ्स टेक्सटाइल चिंद इन इंग्लैंड। इंटरेस्टिंग, दिस एक्ट वॉज नोन एज अ कैंडिको एक्ट। 1720 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट अनाउंस कर दिया था, उस एक्ट ने जो कि उस एक्ट ने यह था कि आप चिंद से कपड़े अब नहीं आएंगे, इंग्लैंड में कोई भी कपड़े चिंद से नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि चिंद हमारे यहाँ का क्लोज था, वो नहीं चाहते थे, वो डर चुके थे कि हमारे अगर इन लोग इतने पॉपुलर होते जाएंगे इनके क्लोज तो आखिर हम क्या बिजनेस करेंगे, ठीक है। उस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या दिया, इंटरेस्टिंग एक्ट को इन्होंने क्या बोला, कैलिको एक्ट। At the time of textile industry has just begun to develop in Europe, unable to compete with the Indian textile, English producers wanted to secure the market within the country by preventing the entry of the Indian textile. अब क्या हो रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी 1600 के टाइम पर शुरू हुई थी इंग्लैंड ने, और इंडिया का टेक्सटाइल का कपड़ा के साथ वो क्या कर पा रही थी, कंपीट नहीं कर पा रही थी। इंग्लिश जो थे, इंग्लिश के जो प्रोड्यूसर थे वो सिक्योर मार्केट चाहते थे। कैसा मार्केट चाहते थे, देखा, सिक्योर मार्केट चाहते थे। वो इसलिए चाहते थे क्योंकि इंडिया के कपड़े की अगर एंट्री, वो चाहते थे कि इंडिया के जितने भी कपड़े हैं उनकी हमारे यहाँ एंट्री क्या हो जाए, बैन कर दी जाए, ओके, प्रिवेंट कर दी जाए, एंट्रीज को बैन कर दी जाए। The first to grow the under government to protest now limited intimate and printed in England on the white muslin or plain unbleached in Indian clothes. अब वो क्या चाहते थे बेसिकली कि हमारे यहाँ इंडिया के जो प्रिंटिंग क्लॉथ्स आ रहे हैं वो ना आए। अब वो चाहते थे इंडिया की कंपनी की एंट्री को क्या करना चाहते थे, बैन करना चाहते थे। इंडिया के डिजाइन को वो कॉपी करते थे, क्या करते थे, वो इंडिया के डिजाइन को कॉपी करते थे, वहां के प्रिंट ने कॉपी कर लेते थे, बेसिकली वो हमारे डिजाइन को कॉपी करते थे। और वाइट मुस्लिन्स एंड अनब्लीच इंडियन क्लोथ्स थे, कपड़े तो इंडिया के ही थे है ना, कपड़े तो इंडिया से ही मंगाए जाते थे, पर डिजाइन जो होती थी वो काफी ज्यादा कॉस्टली होती थी, इसलिए वो क्या कर लेते थे, इंडिया से इंडिया की डिजाइन को कॉपी कर लेते थे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।